सो गाइज अगर आपको मेडिटेशन के लिए अगर रोहतक शहर में कोई पार्क चाहिए तो वो ये पार्क है। ऑलराइट, सो हे गाइज फॉर एवरीबॉडी, आई एम रोहित तवर देन बैक अगेन विद न्यू व्लॉग। सो गाइज आज के व्लॉग में आपका स्वागत है एंड आई होप कि आप सभी अच्छे एंड सेफ होंगे। एंड गाइज हमारे साथ दो मेंबर जो कि हमेशा ही रहते हैं। सो भाई, सो गाइज अभी हम जा रहे हैं मानसरोवर एंड वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि वहाँ की क्या कुछ व्यू है एंड काफ़ी टाइम के बाद जा रहे हैं तो वहाँ की आपको सभी डिटेलें आपको बताएंगे एंड अब फिलहाल क्या क्या चेंजेस आए हैं। क्योंकि ऐसा लगता है कि चेंजेस तो कुछ आए नहीं होगी बट कोई आए होंगे तो आपको दिखा देंगे। तो लेट्स स्टार्ट, चलो चलते हैं। गाइज अभी हम आ चुके हैं पालिका बाजार की तरफ एंड हमारा जो कि मानसरोवर जाने का प्लान था वो कैंसिल हो चुका है बिकॉज हम तब तक वहाँ जाएंगे ना पैदल पैदल, तब ऐसे चल रहे हैं हम एंड तब तक वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे हो जाएगी शाम एंड क्लैरिटी जो कि आपको दिखाई नहीं देगी। सो अभी हम जा रहे हैं छोटू राम पार्क काफ़ी टाइम के बाद, तो उसमें चलते हैं एंड फिर मिलते हैं गाइस। तो भाई अभी हम फाइनली आ चुके हैं छोटू राम पार्क में एंड यहाँ का आपको व्यू दिखाऊंगा मैं क्या कुछ है, बट बहुत ही शांत पार्क है ये एंड बहुत ही अच्छी पार्क है जो कि आपको पता है एंड सामने एंट्री करते आपको लिखा पाएगा सर छोटू राम धर्मशाला कार्यालय। सो यहाँ पे धर्मशाला भी है और ये देख लो, ये बना तो दिया गाइस बट इसमें पानी नहीं चला हुआ, देख लो मतलब बेखाम में बना रखा, मतलब इसका मतलब ही नहीं है, यूज ही नहीं हो रहा इसका, देख लो ऐसे। तो गाइस ये जस्ट ऐसे ही बनाया हुआ है जी, तो इसका कुछ बनाया खाने के लिए बनाया मतलब है। हाँ तो गाइस इस पार्क की आपको पता है खास बात ये है जो कि बहुत ही अच्छी पार्क की बात है ये बिकॉज यहाँ शांति मिलती है, यहाँ ज़्यादातर लोग नहीं मिलते हैं एंड अभी यहाँ पे भी जो कि पहले आपने व्लॉग में देखा था यहाँ पे काम खाली पड़ा था बट अभी यहाँ पे काम चला हुआ है एंड धर्मशाला बन रही मेरे हिसाब से किराए के। हाँ आई थिंक ये धर्मशाला बन रही है अभी किराए के लिए और यहाँ पे जो कि बहुत ही अच्छी वाइब आती है, बहुत ही अच्छी क्लियरिटी आती है। सो भाई, सो ड्यूड अभी जो कि मैं आपको एक बार शूट करके दिखाता हूँ इस पार्क का अच्छे से म्यूज व्यूज लगा के एंड फिर देखना आप। सो भाई कैसा लगा आपको इस पार्क में आकर? बहुत अच्छा भाई, एक नंबर का मजा आ गया, एक नंबर की शांति यहाँ पे एंड काफी अच्छी पार्क है जो कि यहाँ पे मतलब ज्यादातर बुजुर्ग ही लोग हैं यहाँ पे, कोई बच्चे नहीं जो कि लफंडर वगैरह काफी वो वगैरह वगैरह नहीं है, मतलब बहुत अच्छी पार्क है, शांति है पार्क में, काफी अच्छा मजा भी आ रहा है जो कि आराम से टाइम स्पेंड करते हैं आराम से बैठ के एंड किसी का दिमाग खराब हो जाए ना जैसे कि कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं तो आराम से बैठ के अपने शांति से सोच सकता है कुछ भी, कोई भी इंसान आराम से सोचने का टाइम मिल सकता है यहाँ पे। जैसे कि गौरव ने बताया कि अभी यहाँ पे जो कि पार्क में बहुत ही ज़्यादा शांति है एंड यहाँ पे जो कि डिस्टर्ब करने वाला आपको कोई भी नहीं मिलेगा बट यहाँ पे बुजुर्ग मिलेंगे एंड जो कि अपने एक्सरसाइज वॉकिंग योगा ये सब करते मिलेंगे आपको। सो गाइज अगर आपको मेडिटेशन के लिए अगर रोहतक शहर में कोई पार्क चाहिए तो वो ये पार्क है छोटू राम पार्क जो कि बहुत ही बेहतरीन पार्क है एंड यहाँ पे शांतिपूर्वक सब काम मतलब कि अपने आप से मतलब है यहाँ पे सब अपने आप में मतलब योगा कर रहे हैं, चल रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। सो भाई तो ऐसा कुछ है। सो गाइज अभी चलते हैं हम घर पे एंड आगे आप लोगों में घर पे कंटिन्यू करूँगा बिकॉज अभी गौरव कोई ब्लॉग अपना बनाना है सो वो भी कंटिन्यू करेगा। सो अभी चलते हैं घर पे एंड फिर मिलते हैं। गाइज इस पार्क में कैंटीन भी है जो कि खाने वाने के लिए आपको उपलब्ध मिल जाएंगे। सो बहुत ही अच्छी पार्क है, मैंने आज से पहले कभी किसी पार्क में नहीं देखा, देखा गौरव तूने ऐसा कुछ कैंटीन वगैरह वगैरह? कंपनी पार्क में, कंपनी पार्क में, मानसरोवर में भी सभी पार्क में ब्रो, सभी पार्क कैंटीन बाहर या अंदर? ठंडा वगैरह ब्लू ब्लू नहीं होती, वीटा लिखा होता है। हां वो कैंटीन, कैंटीन तो होती है बाहर है अंदर है? अंदर ही है, अंदर ही होती है यार, मैंने तो कभी नोटिस नहीं किया, मैंने तो इसी पार्क लेना, मैंने इसी पार्क में नोटिस किया है। कोई नहीं, अब भाई तो चलो चलते हैं गाइस। सो गाइस अभी हम छोटू राम पार्क से आ चुके हैं एंड पता है क्या हुआ, वहाँ पे गए तो जाने के बाद जैसे गौरव ने भी अपना कंटेंट शूट करना था तो गौरव को भी गौरव को कंपनी पार्क में जाना था तो मैंने जल्दी जल्दी वहाँ शूट किया एंड वहाँ जाने के बाद फिर उसके साथ कंपनी पार्क में गए फिर उसका व्लॉग शूट करवाया तो ऐसे हम सेम जगह पे सेम शूट करते सेम कंटेंट हो जाता गाइस। तो जो कि जिस वजह से हमने वहाँ पे गए एंड फिर मैंने थोड़ा बहुत शूट कर दिया आपको दिखा दिया कि मैं यहाँ पे धर्मशाला है एंड यहाँ पे शांति है और बहुत ही मैजिक पार्क है गाइस वो रियलिटी में एंड मतलब कि बहुत ही मस्त पार्क है। सो कि आपने देख भी लिया है। सो भी गाइज एंड जो कि मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ गाइज, अभी कुछ दिनों से पता है क्या हो रहा है, इम्प्रेशन बिल्कुल ही डाउन जा रहा है हमारे व्लॉग पे, हमारे ही नहीं सभी के, सभी का यही हाल है, बड़े से बड़े क्रिएटर एंड छोटे से छोटे क्रिएटर तो सबके साथ यही हो रहा है। यूट्यूब का एल्गोरिथम जो कि बदल चुका है एंड अभी जो कि आपको पता है कि इम्प्रेशन हमारा डाउन जा रहा है, मैं आपको यहाँ पे साइड में शो कर दूंगा जो कि स्क्रीन शॉट लेके मेरे एनालिस्ट का।
सो वही सो वहाँ पे आप देख सकते हो जो कि मेरा आज कल वाला व्लॉग था जो कि किला रोड पब्लिक क्राउड सो वही गाइज, उस पर भी इम्प्रेशन नहीं गया, बाकी जो कि वो जाने वाला था उस पर इम्प्रेशन जाने वाला था, इम्प्रेशन नहीं गया, तब भी उस पर इतनी व्यूज आई है इतने घंटे में। सो वही गाइज, तो ऐसा कुछ सीन है, सो ऐसा कुछ हुआ एंड सो ड्यू टू दिस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब कर दो। एंड सो मैंने इस व्लॉग में जो कि आपको इन्फॉर्मेशन भी दी है कि इम्प्रेशन से भी का ऐसा डाउन जा रहा है, तो ये भी हो जाएगा अपने आप धीरे धीरे, बस कंसिस्टेंट अपने लगे रहो, बस यही है गाइज। सो वही, सो आई होप यू गाइस एंजॉय दिस माय न्यू व्लॉग, सेक्सी स्टे सेफ इन दिस नेक्स्ट व्लॉग। सो वही बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।